जस्ट फिनिश्ड मगरब प्रेयर और मगरब की नमाज के बाद कुछ शॉर्ट्स लिए हैं आपसे शेयर करेंगे। हाय गाइस, होप यू डूइंग वेल। टुडे वी प्लान टू विजिट शेख जायद मॉस्क अबू धाबी। हम आपसे शेयर करेंगे जो मोमेंट्स हम वहाँ पे गुजारेंगे और बहुत ही मज़ेदार दिन आज गुजरने लगा है, क्योंकि आपको पता है शेख जायद मॉस्क वन ऑफ द ब्यूटीफुल मॉस्क इन यूएई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे कुछ मालूमात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आप शेख जायद ग्रैंड मॉस्क विज़िट करें तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना होगा। सबसे पहले आपके पास 14 डेज़ PCR होना चाहिए और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आप अबू धाबी रेजिडेंट हैं तो आपके पास यकीनन अल हुसन एप्लीकेशन होगी, तो उसका स्टेटस जो है वो ग्रीन होना चाहिए। उसका स्टेटस ग्रीन तभी होता है कि आपका PCR जो है विद इन 14 डेज़ नेगेटिव आया हो। ये एक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट ई पास की है, जो आपको चाहिए होता है, क्योंकि आप मस्जिद में डायरेक्ट, अगर आप बस से आ रहे हैं या अपनी गाड़ी से भी आ रहे हैं तो आप मस्जिद में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। आपको गाड़ी अपनी पार्क करनी होती है, उसके बाद आपने जाना होता है बेसमेंट में। बेसमेंट से आपने अपना ई पास लेना होता है। उसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ई पास का फ़ायदा यह है कि आप जब मस्जिद में इंटर होंगे उसके बाद आप थ्रू बेसमेंट मस्जिद में एंट्री करेंगे मेन मस्जिद में, तो उस टाइम आपको ई पास चाहिए होता है गेट एंट्री पास के लिए। तो अगर आपने ऑनलाइन वो अप्लाई कर दिया है, जितने भी आप विज़िटर फैमिली के साथ हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं, जितने भी विज़िटर्स हैं, आपने सबका ई पास भी लाजमी अपलोड करना है। या तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं या आप वहाँ पहुँच के भी अपना ई पास ले सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्री, लेकिन आपको वो लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि उसके बाद ई पास इंफॉर्मेशन कम्प्लीट होती है। आपको जब ई पास मिलता है तो आपको QR कोड्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप गेट एंट्री होती है आपकी मस्जिद के तमाम ही गेट्स में, चाहे आपने मस्जिद के अंदर जाना हो या किसी भी गेट से इंटर होना हो या एग्ज़िट होना हो, दोनों के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है ये इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा एक ख़ास चीज़ ये भी है कि मस्जिद में रूल्स है ड्रेस कोड का, तो ड्रेस मैनर्स का भी हमने ध्यान रखना है। उनकी मैंने पिक्चर भी यहाँ पे शेयर कर दी है, तो आपका ड्रेस कोड भी जो है तो उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आपने कोई शॉर्ट्स पहने हुए हैं या कोई इस तरह का कोड ड्रेस है आपका कि जो अप्रोप्रिएट नहीं है मॉस्क से रिलेटेड, तो वो भी आप नहीं पहन सकते। और उसके अलावा लेडीज़ के लिए ये है कि अगर वो मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम, तो दे नीड टू कीप स्कार्फ, उनका स्कार्फ होना ज़रूरी है। अगर स्कार्फ नहीं है तो सिक्योरिटी इंटर होने नहीं देगी मस्जिद में। इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। उससे रिलेटेड तमाम ही अपडेटेड रूल्स आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। मस्जिद की एंट्रेंस आप सिर्फ बेसमेंट के थ्रू कर सकते हैं, और उसके लिए या तो आप अपनी गाड़ी को मेन पार्किंग में लगा दें या आप डायरेक्ट बेसमेंट की पार्किंग में भी लगा सकते हैं। हमने गाड़ी को बाहर पार्क किया ओपन पार्किंग के बाद। इंतज़ामिया की तरफ से बगी अवेलेबल होती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस गेट तक ले जाती है, जिससे आप डायरेक्ट बेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। Oh.
आपने ऑनलाइन एक्सेस पास अप्लाई नहीं किया था तो बेसमेंट में मशीन्स मौजूद होती हैं, वहाँ से आप अपना एक्सेस पास ले सकते हैं। उसके बाद आप बेसमेंट में मुख्तलिफ शॉप्स और मुख्तलिफ ब्रांड्स को देखते हैं, जैसा कि कल्चरल शॉप्स, ट्रेडिशनल ब्रांड्स और कॉफ़ी शॉप्स, बेबी शॉप्स और मुख्तलिफ तरह की शॉप्स भी अवेलेबल हैं। Hey guys, right now we just finished the Maghrib prayer और Maghrib की नमाज के बाद कुछ shots लिए हैं, आपसे शेयर करेंगे। Thank you.
Oh.